हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हम लोगों ने प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कर लिया था। आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेंस। लेंस क्या होता है? तो लेंस के बारे में पढ़ेंगे आज अपने। लेंस, लेंस क्या होता है? देखो, लेंस क्या होता है? लेंस दो ऐसे प्रश्नों से घिरा पारदर्शी और समांगी माध्यम होता है, जिसके दोनों पृष्ठ वक्र या उनमें से एक पृष्ठ वक्र और एक पृष्ठ क्या हो, समतल हो। देखो, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? लेंस दो ऐसे पृष्ठों से घिरा पारदर्शी समांगी माध्यम है, जिसके दोनों पृष्ठ वक्र अथवा एक पृष्ठ वक्र और दूसरा समतल। ठीक है, तो लेंस क्या होता है? लेंस ऐसे दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी और समांगी, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, समांगी यानी कि एक समान रूप से समांगी माध्यम है, जिसके दोनों पृष्ठ, दोनों के दोनों पृष्ठ क्या हो, वक्र हो, अथवा एक पृष्ठ वक्र हो और दूसरा क्या हो, समतल हो। यानी कि लेंस के अंदर कम से कम एक पृष्ठ है वो क्या होगा, वक्राकार होगा। वक्राकार, इसके अंदर जो वक्र पृष्ठ है वो किस प्रकार से हो सकता है? ये गोलीय हो सकता है, परवलयाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है। जो एक पृष्ठ वक्र होगा या दोनों पृष्ठ वक्र होंगे, इसके अंदर ये गोलीय हो सकते हैं, परवलयाकार हो सकते हैं और बेलनाकार हो सकते हैं। ठीक है, मोस्टली ये लिया जाता है अपने गोलाकार, ठीक है, जो लेंसों में लेते हैं। अब अगर लेंस के प्रकार की बात करें अपने, तो लेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, है। नंबर एक उत्तल लेंस, नंबर दो अवतल लेंस। जैसे आपने दर्पण पढ़े थे, गोलीय दर्पण कितने टाइप से थे? दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उसी प्रकार से लेंस भी दो टाइप से है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस कौन सा होता है? ऐसा लेंस जो बीच में से तो क्या होता है, मोटा होता है, और किनारों से क्या होता है, पतला होता है। उस लेंस को क्या कहते हैं अपने? उत्तल लेंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लोगे आप लोग? ऐसा लेंस जो बीच में से तो क्या होता है, मोटा होता है, और किनारों से क्या रहता है, पतला रहता है, क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। और जो इसके पृष्ठ है, ये उभरे हुए पृष्ठ, ये वाला जो पृष्ठ है, इसको बोलते हैं उत्तल पृष्ठ। ये कौन सा पृष्ठ होता है? उत्तल पृष्ठ होता है, ये उत्तल पृष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो बीच में से तो क्या हो, पतला हो, और किनारों से क्या हो, मोटा हो। उस लेंस को क्या कहते हैं अपने? अवतल लेंस कहते हैं। अब अवतल लेंस के अंदर जो ये अंदर धसे हुए भाग अवतलाकार जो है, इसको, इस पृष्ठों को क्या कहते हैं अपने? अवतल पृष्ठ कहते हैं। ये क्या होते हैं? अवतल पृष्ठ होते हैं। तो अपने पढ़ा के लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक उत्तल और नंबर दो अवतल लेंस। उत्तल लेंस वो होते हैं जो बीच में से मोटे होते हैं और सिरों से क्या होते हैं, पतले होते हैं। और अवतल लेंस कौन से होते हैं? ऐसे लेंस होते हैं जो बीच में से तो क्या होते हैं, पतले होते हैं और
किनारों से क्या होते हैं, मोटे होते हैं। अगर इसको अपने और भी क्लासिफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर और भी भागों में डिवाइड करना चाहे, जैसे उत्तल लेंस के अकॉर्डिंग अपने तीन पार्ट और डिवाइड कर सकते हैं, इसके उत्तल लेंस के अकॉर्डिंग तीन भागों में और डिवाइड कर सकते हैं आप। वो कैसे? नंबर एक अगर अपने बात करें उत्तल लेंस के अकॉर्डिंग, उभयोत्तल लेंस, नंबर दो समतलोत्तल लेंस, नंबर तीन अवतलोत्तल लेंस। ठीक है, उभयोत्तल लेंस कौन सा होता है? ऐसा लेंस जिसके दोनों के दो पृष्ठ, देखो पृष्ठ दो होंगे इसमें लेंस में, ऐसा लेंस जिसमें दोनों के दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तलाकार हो, दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल पृष्ठ हो, वो लेंस कौन सा होता है? उभयोत्तल लेंस होता है। जैसे ये उत्तल लेंस पड़ा, इसको अपने उभयोत्तल लेंस बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा लेंस जिसके दोनों के दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो, वो क्या कहलाता है? उभयोत्तल लेंस कहलाता है। नेक्स्ट है समतलोत्तल लेंस। नाम से स्पष्ट है, अगर इसको ब्रेक करके देखोगे तो समतल प्लस उत्तल, यानी कि इसमें से एक पृष्ठ तो क्या होगा, समतल होगा, और दूसरा क्या होगा, उत्तल होगा। इसको बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, ये एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल। ये पृष्ठ कौन सा है? समतल है, और ये कौन सा है? उत्तल पृष्ठ। तो ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ तो क्या हो, समतल हो, और दूसरा पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो, उस लेंस को क्या कहते हैं अपने? समतलोत्तल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट अपने चलते हैं अवतलोत्तल लेंस। नाम से स्पष्ट है, अगर इसको तोड़ के देखोगे आप, अवतल प्लस उत्तल। ठीक है, यानी कि एक पृष्ठ तो क्या होगा इसका, अवतलाकार होगा, और दूसरा पृष्ठ क्या होगा, उत्तलाकार होगा। तो इसको कैसे बनाओगे? पहला पृष्ठ अवतल बनाओगे आप ऐसे। ठीक है, पहला पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ क्या बनाओगे आप? उत्तल। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतलोत्तल लेंस हो जाएगा। तो ऐसा लेंस जिसमें एक पृष्ठ क्या हो, एक पृष्ठ तो क्या हो, अवतल हो, और दूसरा पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो, वो क्या कहलाता है? अवतलोत्तल लेंस कहलाता है। इसी प्रकार से आप लोग अवतल लेंस को भी आगे क्लासिफाई कर सकते हो तीन पार्ट में। कैसे? जैसे इसको किया आपने, इसको अगर और डिवाइड करना चाहो आप तो और कर सकते हो। नंबर एक की यदि अपने बात करें तो वो क्या होगा? उभयावतल लेंस, उभयावतल लेंस। ठीक है, नंबर दो समतलावतल लेंस, ठीक है, और नंबर तीन उत्तलोवतल लेंस। ठीक, नंबर तीन उत्तलोवतल लेंस। तो उभयावतल लेंस कौन सा होगा? यही लेंस, ये जो लेंस है इसी को क्या बोलते हैं अपने? उभयावतल लेंस। जैसे उभयोत्तल लेंस कौन सा था? जो उत्तल लेंस अपने मेनली पढ़ा वही क्या था? उभयोत्तल लेंस था। ठीक है, इसी प्रकार से ऐसा लेंस जिसके दोनों के दोनों पृष्ठ क्या हो, अवतलाकार हो, उस लेंस को क्या कहते हैं अपने? उभयावतल लेंस कहते हैं। दोनों पृष्ठ क्या हो? दोनों पृष्ठ अवतल हो, उस लेंस को क्या कहते हैं? उभयावतल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें समतलावतल लेंस की। नाम से स्पष्ट है, समतल प्लस अवतल, एक पृष्ठ तो क्या होगा? समतल होगा, और दूसरा क्या होगा? अवतल होगा। तो इसको बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे? पहला पृष्ठ क्या बना दिया आपने? समतल। और दूसरा पृष्ठ क्या बनाना आपको? अवतल बनाना। तो उसको कुछ इस प्रकार से बनाओगे। ठीक है, यानी कि एक पृष्ठ तो क्या होगा? समतल होगा, और दूसरा पृष्ठ क्या होगा? अवतल होगा। यानी कि ऐसा लेंस जिसमें एक पृष्ठ क्या होता है? समतल होता है, दूसरा क्या होता है? अवतल होता है। कौन सा लेंस होता है? समतलावतल लेंस। अगर अपने बात करें उत्तलोवतल लेंस की, तो नाम से स्पष्ट है, उत्तल प्लस अवतल, एक पृष्ठ तो क्या होगा इसका? उत्तल होगा, और दूसरा क्या होगा? अवतल होगा। तो इसको कैसे बनाओगे? पहला पृष्ठ क्या बना दोगे आप लोग?
उत्तल बना दो। पहला प्रश्न क्या बना दोगे? उत्तल। और दूसरा प्रश्न आपको क्या बनाना है? अवतल बनाना है। ये ठीक है, यानी कि इसमें एक प्रश्न तो क्या होगा? उत्तल होगा, और दूसरा प्रश्न क्या होगा? अवतल होगा। तो उस लेंस को क्या बोलेंगे अपने? उत्तलोवतल लेंस। तो इस प्रकार से लेंस को आप लोग वर्गीकृत कर सकते हो। मुख्य रूप से जो लेंस है वो दो प्रकार के ही हैं, उत्तल और अवतल, और इन्हीं की अपने बात करेंगे। ठीक है, ये तो अधिक जानकारी के लिए मैंने आपको आगे क्लासिफाई करके बताया। ठीक है, तो मोस्टली अपने लेंस दो प्रकार से पढ़ेंगे, उत्तल लेंस और अवतल। ठीक है, तो लेंस की डेफिनेशन आपके समझ आ गई होगी कि लेंस दो ऐसे पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम है जिसके दोनों पृष्ठ वक्र अथवा एक पृष्ठ वक्र और एक पृष्ठ क्या हो? समतल हो। ठीक है, तो अपने मोस्टली दो प्रकार से लेंस, उत्तल और अवतल है। अब इसमें कुछ एक डेफिनेशन है, जैसे अपने दर्पणों के अंदर कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है ना, फोकस बिंदु क्या होता है, इसी प्रकार से लेंस के अंदर भी डेफिनेशंस हैं। तो उनको डिस्कस करते हैं अपन कि लेंस में मुख्य रूप से कौन सी परिभाषा, तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उसको देख लोगे, इसको नोट कर लोगे या स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, वो देखो आप क्या है। मान लो आप कोई लेंस, कोई एक लेंस ले लेते हैं अपने, उत्तल लेंस। ठीक है, इसी के बारे में डेफिनेशंस पढ़ते हैं अपने। ठीक है, तो पहली जो परिभाषा है वो क्या है? नंबर एक, नंबर एक डेफिनेशन किसकी है? वो है वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र क्या होता, वक्रता केंद्र क्या होता है? जैसे ये लेंस है, इसके अंदर कितने गोलीय पृष्ठ हैं? दो गोलीय पृष्ठ। ठीक है, पहला जो गोलीय पृष्ठ है ये, तो ये एक आगे वृत्त बनाएगा। ठीक है, और ये वाला जो गोलीय पृष्ठ है ये इधर वृत्त बनाएगा। ठीक है, पहला पृष्ठ जिस गोले का है, भाग है, उसका जो केंद्र होगा वो ये होगा, और दूसरा पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसका केंद्र ये है। ठीक है, तो अपने पास दो केंद्र हो गए, C1 और C2। पहले पृष्ठ का केंद्र ये, दूसरे पृष्ठ का केंद्र ये। ठीक है, और इन्हीं को अपने क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि लेंस के दोनों वक्र पृष्ठ जिस गोले से लिए जाते हैं उनके केंद्रों को अपने क्या कहते हैं? उनका वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लोगे आप लोग इसकी, कि लेंस के दोनों पृष्ठ जिन गोलों से लिए जाते हैं उनके केंद्रों को अपने क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इनको C1 C2 से लिखते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद आता है अपने पास वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? देखो, ये जो पृष्ठ है और ये जो केंद्र है, इससे जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये इसकी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इस वक्र पृष्ठ से वक्रता केंद्र की जो दूरी होगी वो क्या होगी? वक्रता त्रिज्या। इसको किससे लिखते हैं अपन लोग? R1 से। इसी प्रकार जो दूसरा पृष्ठ है ये वाला गोलीय पृष्ठ, इसकी इस वक्रता केंद्र से जो दूरी होगी, यहां से लेकर के यहां तक जो दूरी होगी, उसको किससे लिखते हैं अपने? R2 से। तो इसमें वक्रता त्रिज्याएं भी कितनी होंगी? दो होंगी, R1 और R2। ठीक है, वक्रता केंद्र पढ़ा आपने और वक्रता त्रिज्या पढ़ी, कि जिस गोले से ये वक्राकार जो भाग लिए जाते हैं वो उसके केंद्र है क्या कहलाते हैं? वक्रता केंद्र कहलाते हैं। ठीक है, और इन वक्राकार पृष्ठों की वक्रता केंद्रों से दूरियां क्या कहलाती हैं? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो डेफिनेशन साथ साथ में लिखते जाओगे आप लोग और समझते जाओ। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मुख्य अक्ष की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है, वक्रता केंद्रों, लेंस के जो दो वक्रता केंद्र हैं इनको मिलाने वाली जो रेखा है ये वाली,
ये इसकी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, कि वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं नंबर चार की, प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं उसको, प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष में स्थित ऐसा बिंदु, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष में स्थित ऐसा बिंदु जहां पर आपतित होने वाली प्रकाशीय किरण, जहां पर आपतित होने वाली प्रकाशीय किरण बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है। ठीक है, बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है, उस बिंदु को अपने क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसको ओ से डिनोट करते हैं आप, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यानी कि लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित प्रकाशीय किरण सीधी ही निकल जाती है। ठीक है, सीधी बिना विचलित हुए सीधी ही निकल जाती है, उसको अपने क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। देखो जो लेंस है, लेंस का जो मीडियम है वो क्या होगा, सघन होगा, इसको विचलित होना चाहिए था। हम जानते हैं जब भी कोई प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि अपने पथ से क्या होती है, विचलित होती है। लेकिन ये वाली प्रकाशीय किरण विचलित नहीं हुई, इसका कारण क्या, ये वाली प्रकाशीय किरण विचलित नहीं हुई, इसका कारण ये है कि जो लेंस है ये बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही थिक लेंस होते हैं, बहुत ही थिक लेंस होते हैं, इस कारण ये विचलित नहीं होते। ठीक है, बहुत ही पतले लेंस है इसलिए सीधी ही निकल जाती है। ठीक है ना, तो लेंसों के बहुत ज्यादा पतले होने के कारण ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधी ही निकल जाती है, ये बड़ा क्या कहलाता है, इसका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये होता है इसका ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं नंबर पांच, प्रथम फोकस बिंदु। देखो दो वक्रता त्रिज्याएं हैं इसमें, दो ही वक्रता केंद्र है, तो फोकस बिंदु कितने होंगे, दो लेंगे अपन। प्रथम फोकस बिंदु, F1 से नोट करते हैं इसको। प्रथम फोकस बिंदु क्या होगा, नीचे वाला एक कोर डायग्राम शो कर देते हैं अपन, ये वाला। ये ऑप्टिकल सेंटर इसका, ये वक्रता केंद्र C2 और ये वक्रता केंद्र C1। ठीक है, अब प्रथम फोकस बिंदु क्या होता है, प्रथम फोकस बिंदु ऐसा होता है कि जो लेंस होता है, सॉरी जो मुख्य अक्ष होती है, इस पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे आपतित होने वाली प्रकाशीय किरणें, जिससे आपतित होने वाली प्रकाशीय किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, पोर्तन के पश्चात समांतर हो जाते हैं। ये है जैसे मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे आपतित होने वाली प्रकाशीय किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है, प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। F1 से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, देखो आप C1, C2, F1, E2 किधर भी मान सकते हो, इधर भी मान सकते हो, इधर भी मान सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, F1 पॉइंट हो जाएगा, प्रथम फोकस बिंदु। इसी प्रकार से होता है द्वितीय फोकस बिंदु नंबर छह, द्वितीय फोकस बिंदु, इसको नोट करते हैं अपने F2 से, किसे नोट करते हैं, F2 से नोट करते हैं। देखो ये क्या होता है, इसको यहां शो कर देते हैं अपने, ये मान लो लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये वक्रता केंद्र C2 और ये वक्रता केंद्र C1, और ये अपना आया था F1 आया था। अब F2 क्या होगा, देखो द्वितीय फोकस बिंदु क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती हैं वह क्या कहलाता है, द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। जैसे देखो इधर से आपतित हुई प्रकाशीय किरणें मुख्य अक्ष के समांतर और अपवर्तन के पश्चात यहां मिली, यहां से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई और अपवर्तन के पश्चात यहां मिल गई,
तो जहां ये काटेंगी वहां जो कौन सा बिंदु होगा, द्वितीय फोकस बिंदु होगा। ठीक है, तो इसको अपने किससे लिख देंगे, एफ टू से लिख देंगे। ठीक है, तो ये होता है द्वितीय फोकस बिंदु। देखो प्रथम फोकस बिंदु क्या होता है कि मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे आपतित होने वाली प्रकाशीय किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, समांतर हो जाए। ठीक है, वो कौन सा होगा, प्रथम फोकस बिंदु। द्वितीय फोकस बिंदु क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाशीय किरणें मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलते हैं वो बिंदु क्या कहलाता है, द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। इनको एफ वन और एफ टू से शो करते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया द्वितीय फोकस बिंदु। नेक्स्ट चलते हैं अपने फोकस दूरी पे। फोकस दूरी क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाशीय केंद्र से, केंद्र से फोकस बिंदु की जो दूरी होती है क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। प्रकाशीय केंद्र से इसकी जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये क्या होगी, फोकस दूरी होगी, स्मॉल एफ वन से लिखते हैं उसको। और इस ऑप्टिकल सेंटर से इधर जो दूरी होगी इसको स्मॉल एफ टू से लिखेंगे, द्वितीय फोकस दूरी हो जाएगी। प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस। ठीक है, तो ये होती है फोकस दूरी। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं नंबर आठ। नंबर आठ है अपने पास प्रथम फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपने प्रधान बिंदु, प्रधान बिंदु या कार्डिनल पॉइंट। देखो लेंस के अंदर कुछ बिंदु होते हैं जिनको प्रधान बिंदु माना जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से वो बिंदु कौन से हैं, प्रधान बिंदु जो हैं, जो पहला तो प्रथम फोकस बिंदु, प्रथम फोकस बिंदु एफ वन। ठीक है, दूसरा जो प्रधान बिंदु है द्वितीय फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु। नंबर तीन जो है प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र। ये जो तीन बिंदु है इसको क्या बोला जाता है, प्रधान बिंदु कहते हैं। ठीक है, यानी कि इनको अलग से नाम दे दिया, प्रधान बिंदु। तो ये कुछ डेफिनेशन थी लेंस के बारे में जो आपको ध्यान में रखनी है, और आगे जब अपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे उसमें आपको अच्छे से इनका यूज होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अच्छे से आप लोग याद कर लो। फिर से रिपीट कर देता हूं, वक्रता केंद्र क्या होता है कि लेंस जो वक्र पृष्ठों से बनते हैं, जिन गोलों के वक्र पृष्ठ होते हैं उनके केंद्र है वो क्या कहलाते हैं, वक्रता केंद्र कहलाते हैं। अब इन नेक्स्ट आता है वक्रता त्रिज्या, वक्र पृष्ठ और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट मुख्य अक्ष आता है अपने पास। मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होते हैं वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट प्रकाशीय केंद्र, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष में स्थित ऐसा बिंदु जहां पर आपतित होने वाली प्रकाशीय किरण सीधी ही निकल जाते हैं। ठीक है, उसको अपने क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं या ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। प्रथम फोकस बिंदु, प्रथम फोकस बिंदु क्या होता है कि मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे आपतित होने वाली प्रकाशीय किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट द्वितीय फोकस बिंदु कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाशीय किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं अपवर्तन के पश्चात, जिस बिंदु पर मिलती हैं वो उसका क्या कहलाता है, द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट आता है अपने पास प्रधान बिंदु, सॉरी फोकस दूरी। ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस बिंदुओं की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। नेक्स्ट प्रधान बिंदु, प्रधान बिंदु क्या होते हैं, जो फोकस बिंदु है एफ वन एफ टू और जो प्रकाशीय केंद्र है ऑप्टिकल सेंटर ओ, इन तीनों बिंदुओं क्या कहा जाता है, प्रधान बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये लेंस की जनरल इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद एक चीज और देखो आप लोग लेंस के बारे में, मिटा दें उसको। देखो आप लोग ये कोई जरूरी नहीं है कि एफ वन इधर बना है, ठीक है, मैंने एफ वन इधर लिया तो आप इधर भी ले सकते हो,
डजंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता है। ठीक है, देखो जैसे ये लेंस है इसमें अपने सारी चीज़ें शो कर देते हैं, एक बार पता चल जाएगा। ये जो है वो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ होता, इधर F2, इधर F1, इधर C2 और यहाँ C1। ठीक है, ये बिंदु है। देखो C2 जो है इसको 2F2 भी लिख देते हैं और इसको 2F1 भी लिख देते हैं, क्योंकि फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी तो होती है, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी क्या होती है, दुगनी होती है। इस कारण FA और FA तो 2F1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 2F1, इसको 2F2 भी अपन नोट कर सकते हैं। तो ये मेनली पॉइंट थे। और ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली प्रकाशीय किरण क्या होती है, वो बिना विचलित हुए सीधी ही निकल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने शो करते हैं। आगे इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसमें और क्लियर हो। मोस्टली अपने दो लेंस पढ़े, एक तो उत्तल और दूसरा अवतल। देखो जो उत्तल लेंस होता है इसमें क्या होता है, मान लो ये उत्तल लेंस और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है ऑप्टिकल सेंटर हो। इसमें क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली जितनी भी प्रकाशीय किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली जितनी भी प्रकाशीय किरणें हैं वो अपवर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु से गुजरते हैं, यानी कि एक निश्चित बिंदु पर मिलते हैं, या इसको कहें कि अभिसारित होते हैं, अभिसारित होते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, अभिसारित होती है। इस कारण इस लेंस को क्या कहते हैं, अपने अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इस कारण इस लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाशीय किरणें क्या होती हैं, एक निश्चित बिंदु पर आकर के मिल जाती हैं, यानी कि कन्वर्ज हो जाती हैं, क्या कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको, अभिसारी लेंस। इसी प्रकार जो अवतल लेंस है इसमें क्या होता है, ये अवतल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष ऑप्टिकल सेंटर, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाशीय किरणें क्या हो जाती हैं, फैल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं ऐसे, इस प्रकार से फैल जाते हैं और एक निश्चित बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है ये अपने को, यहां जैसे ये वाले, जिसको आप क्या कहते हो, F2 कहते हैं। ठीक है, और फैलने के कारण इसको अपने क्या बोलते हैं, अपसारित हो गई, साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फैलने को अपसारित होना, अपसारित होगी। इस कारण इस लेंस को क्या बोल देते हैं, अपने अपसारी लेंस बोल देते हैं। तो उत्तल लेंस को अपने क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपने अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये तो आज अपने पढ़ा लेंस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, और कल अपने पढ़ेंगे इसकी इमेज फॉर्मेशन कि उत्तल लेंस में इमेज कैसी बनती, जैसे दर्पणों में पढ़ावण, ठीक है, उसी प्रकार से लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। थैंक यू।